फ्रेंड्स वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 28A और चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पहला एक्सरसाइज 28A का। तो सबसे पहले हम लोग इसको वाई भी मान सकते हैं, वाई मान लिए, ये 3x² + 4x - 5/x। अब x से सबों में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 4x - 5/x। जो जो कटता है कैंसिल कर दिए और बचा यहाँ क्या 3x, यहाँ दो ठोता एक बचा है और यहाँ बच गया आपका 4 - 5 × 1/x। 5/x को ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जब सिंपलीफाई कर लिए तो हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx = 3 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dx/dx + d4/dx - 5 बाहर d1/x/dx। अब ये हो जाएगा 3 dx/dx 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0 - 5 और 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था -1/x². क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। तो फाइनली यदि हम बोलें कि कितना आया इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हम लोग लिख लेंगे 3 - -+5/x² 3 + 5/x² आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का पहला का आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 का 2। अब 8 का 2 है तो ये सॉल्यूशन हम लोग इसका लिखेंगे। सुविधा के लिए y = हम लोग मान लें x³ + 1 x - 2 और क्या x². अब यहाँ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा x³ - 2x³ + x - 2/x² है ना। अब x² से सबों में डिवाइड भी हम कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा x^4 / 2x³ - 2x³ + x / x² - 2/x² ये यदि कैंसिल आउट कर देंगे तो y = क्या हो जाएगा x² - 2x + ये कट जाएगा एक ठो तो 1/x - 2/x² ऐसा कर लिए डिफरेंशिएशन। अब हम लोग सिंपलीफाई कर रहे हैं, अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ से लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा x² / dx माइनस यहाँ से 2 बाहर निकाल लिए अपन हो जाएगा, ये हो जाएगा dx/dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x - 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिए और x² को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x^-2/dx है ना। अब x² का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 2x - 2 × 1 + 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² - 2 × अब ये देखिए पावर गुना में और पावर में एक की कमी है ना। अब क्या हो जाएगा 2x - 2 - 1/x² + 4 × x^-3 और इसको सजा लें तो 2x - 2 - 1/x² + 4 और इसका माइनस हटाने के लिए 1/x³ कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, 8 का 3। लेट हम लोग कर लेते हैं y = x - 4/2√x है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि y = इसको डिवाइड कर लेंगे अलग अलग 2√x - 4/2√x। अब हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं √x × √x/2√x माइनस ये हो जाएगा 2 बार कर लेंगे तो हो जाएगा 2/√x।
एक रूट एक्स कट गया तो बचा कितना, वन बाय टू रूट एक्स माइनस टू इंटू वन बाय रूट एक्स। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा वाई इज इक्वल टू वन बाय टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टू, यहाँ है डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाय रूट एक्स। तो हमने बताया था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि वन बाय टू रूट एक्स होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाय टू एक्स रूट एक्स होता है। इस चीज़ को मैंने आपको बताया था शुरू में ही। तो अब बताइए, वन बाय टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय टू रूट एक्स माइनस टू इंटू वन बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय टू एक्स रूट एक्स। अब क्या होगा, ये टू से ये टू कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा वन बाय फोर रूट एक्स, वन बाय फोर रूट एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वन बाय एक्स टू द पावर थ्री बाई टू, एक्स टू द पावर या तो सीधा लिख देंगे एक्स रूट एक्स, और यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन नंबर फोर में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग वाई मान लेते हैं, ये लिखते हैं वन प्लस एक्स और रूट एक्स है, तो रूट एक्स के लिए हम लोग लिखते हैं एक्स पे पावर वन बाय टू, और एक्स पे पावर ये हो जाएगा, यहाँ थ्री है तो हम बताए थे वन बाय थ्री हो जाएगा ऐसे। अब क्या हो जाएगा, ये वन प्लस एक्स हो जाएगा और एक्स पे पावर वन बाय टू, और ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स पे पावर माइनस वन बाय थ्री है ना। अब क्या होगा कि वन प्लस एक्स, अब दोनों का बेस सेम है पावर जुट जाएगा तो वन बाय टू, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ऐसे। अब क्या होगा कि वन प्लस एक्स और एक्स का पावर में एलसीएम हो जाएगा छः, तो तीन माइनस दो है ना, तो वन प्लस एक्स इंटू एक्स पे पावर वन बाय सिक्स। अब कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर वन बाय सिक्स को यहाँ गुना करेंगे तो एक्स पे पावर वन बाय सिक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर वन इंटू एक्स पे पावर वन बाय सिक्स, तो एक्स पे पावर वन बाय सिक्स प्लस एक्स पे पावर ये हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है पावर जुटेगा तो वन प्लस वन बाय सिक्स, मतलब एक्स पे पावर वन बाय सिक्स प्लस एक्स पे पावर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सेवन बाय सिक्स। कितना इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, तो वाई इज इक्वल टू हो गया एक्स पे पावर वन बाय सिक्स एक्स पे पावर वन बाई सिक्स। अब हम लोग यहाँ ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएट ही कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स पे पावर वन बाय सिक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स पे पावर सेवन बाय सिक्स बाई डी एक्स। अब क्या होगा कि पावर गुना में और पावर में एक की कमी, पावर गुना में पावर में एक की कमी, यहाँ भी पावर गुना में एक्स और पावर में एक की कमी। अब क्या हो जाएगा कि वन बाय सिक्स एक्स पे पावर एलसीएम क्या हो जाएगा सिक्स, तो वन माइनस सिक्स प्लस यहाँ हो जाएगा सेवन बाय सिक्स एक्स पे पावर एलसीएम सिक्स, तो सेवन माइनस सिक्स, तो कितना हो जाएगा अब हम लोग का, ये हो जाएगा एक्स पे वन बाय सिक्स एक्स पे पावर माइनस फाइव बाई सिक्स, कितना एक्स पे पावर माइनस फाइव बाई सिक्स प्लस सेवन बाई सिक्स और एक्स पे पावर वन बाई सिक्स। हाँ, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए फाइव नंबर देखते हैं, एट का फाइव, और लेट वाई इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बटे में रूट एक्स बटे में रूट एक्स और बटे में रूट एक्स। अब ए एक्स स्क्वायर है और रूट एक्स को हम लोग बोलते हैं पावर हाफ है ना, और बी ऊपर वाले एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख दें तो भी चलेगा, और नीचे भी है रूट एक्स प्लस सी बाय रूट एक्स, ए और ये कट गया। अब ये है कि ये, और देखिए दोनों का बेस सेम है पावर घट जाएगा तो दो माइनस एक बटे दो प्लस
बी रूट एक्स प्लस सी बाय रूट एक्स। अब ए इंटू एक्स पे पावर दो में आधा घट जाएगा तो थ्री बाई टू प्लस बी रूट एक्स प्लस सी बाय रूट एक्स, है ना। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो डी वाई बाय डी एक्स, ये एक्स पे पावर क्या है थ्री बाई टू अपॉन डी एक्स प्लस बी, बी यहाँ है रूट एक्स बाय डी एक्स प्लस सी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाय रूट एक्स बाय डी एक्स। अब डी वाई बाय डी एक्स यहाँ ये हो गया पावर गुना में और पावर में एक की कमी, हाँ, और प्लस बी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था आपको वन बाय टू रूट एक्स प्लस सी वन बाय रूट एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले बताया था माइनस वन बाय टू इंटू एक्स रूट एक्स होता है। अब ये इसको हम लोग लिख देंगे थ्री बाय टू इंटू ए, हाँ, और एक्स पे पावर थ्री बाय टू में एक कट जाएगा तो वन बाय टू प्लस बी बाय टू रूट एक्स प्लस बी बाय टू रूट एक्स माइनस सी और सी बटे टू और वन बाय एक्स पे पावर थ्री बाय टू, बोले क्यों पावर इसका एक और आधा डेढ़, डेढ़ को थ्री बाय टू लिखते हैं ना। अब कितना हो जाएगा कि थ्री बाय टू ए और एक्स पे पावर वन बाय टू प्लस बी बाय टू रूट एक्स माइनस सी बाय टू और एक्स पे पावर माइनस थ्री बाय टू, एक्स पे पावर माइनस थ्री बाय टू, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखना चाहें थ्री बाय टू इंटू ए पावर हाफ को हम लोग लिखते हैं रूट एक्स प्लस बी बाय टू रूट एक्स माइनस सी बाय टू इंटू एक्स पे पावर माइनस थ्री बाय टू, और यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट का सिक्स। तो सबसे पहले हम लोग लेट y इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस एक्स बाय लिख लेते हैं साइन x, है ना। ये साइन x दोनों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ए बाय साइन x प्लस बी इंटू कॉस एक्स बाय साइन x, ऐसे लिख लेंगे। अब ये वन बाय साइन x इज इक्वल टू होता है कॉसेक एक्स प्लस बी कॉस बाय साइन इज इक्वल टू होता है कॉट एक्स, इतना है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बाहर, यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ये कॉसेक एक्स का होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस बी, कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग और सजा करके लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कॉसेक एक्स दोनों से कॉमन में है तो माइनस कॉसेक एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा ए कॉट एक्स प्लस बी कॉसेक एक्स, और यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं इसको आप समझ रहे होंगे और किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।